नमस्कार दर्शक बंधु, मु डॉक्टर सुस्मिता साहू, सीनियर गायनेकोलोजिस्ट SS हॉस्पिटल। यार आगर वीडियो रे मु कहितली मेनोपॉज रे कौन कौन सिम्टम्स माने कौन कौन सब देखा जाए, मेनोपॉज रो सिम्टम्स कौन। आज वीडियो रे बुझाइबी मेनोपॉज बा पेरीमेनोपॉजल पीरियड रे कौन सब डाइट नेबा कथा, तार ट्रीटमेंट कौन एस डाइट। आज वीडियो रे डाइट उपरे कहिबी, आ नेक्स्ट वीडियो रे कहिबी आपण कौन केंती लाइफ मॉडिफिकेशन करिवे। बहुत थर देखा जाइछि डाइट एवं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रे मध्य मेनोपॉज रो सिम्टम्स जेंदी के हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट, ए सब रो प्रतिकार करी करा हे जाई पारे। सेति पै ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज रे मु एई आज रो वीडियो रे बुझेबी डाइट आपण कौन कौन इनक्लूड करेंगे जो थे आपणकर सिम्टम्स कम आसीबो। नेक्स्ट वीडियो रे लाइफस्टाइल चेंजेस आउ मेडिकेशन विषय कहबी। मेडिकेशंस बहुत थर दरकार हुए नहीं जदि आप डाइट आउ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तेब आपणकर माने मेडिकेशन ड्रग रो किछि आवश्यकता पड़े ना। आग वीडियो रे मु कहितली आपणकर मेनोपॉज रो सिम्टम्स केंती हुए आउ एई वीडियो रे मु डाइट विषय कहबी। आगर कहितली मेनोपॉज रो सिम्टम्स इस्ट्रोजन डेफिशिएंसी गोटे हार्मोन इस्ट्रोजन डेफिशिएंसी पई हुए सेति पई मेनोपॉजल मेनोपॉज रे आपणकर डाइट रे मोस्टली आपण फाइटो इस्ट्रोजेन्स प्लांट इस्ट्रोजेन इनक्लूड करिया को पड़े। आउ फाइटो इस्ट्रोजेन आप डाइट रे इनक्लूड करले ता लाभ दिए, यह प्लांट सोर्स ऑफ इस्ट्रोजेन। सर्वप्रथमे फाइटो इस्ट्रोजेन आपणकर हाईली माने रिच अच्छी सोयाबीन्स रे। सोयाबीन को आपण ग्राइंड करिकिना अटारे मिसई रोटी करी खाई पारंती किंबा सुजी परी ग्राइंडिंग करी ये उपमा परी खाई पारंती, उपमा परी टोफू, पनीर, सोया बॉडी तरकारी करी खाई पारंती, सोया सॉस, सोया चिप्स एमिती केते माध्यम रे सोयाबीन आपण गोटा सोयाबीन खाई पारंती किंबा ग्राइंडिंग करी अन्य कोथरे मिक्स करी खाई पारंती। सेकेंड रिसोर्स ऑफ फाइटोइस्ट्रोजन इज फ्लैक्सीड्स। फ्लैक्सीड्स आपण रे भी फाइटोइस्ट्रोजन्स बहुत मिलवाक मिलता है आउ ताको आपण ग्राइंडिंग करी गुंड करी रखी पारिबे। आपण मिसेई पारंती आपणकर सलाड्स, दही किंबा अन्य कोनोसी खाद्य उपर टॉपिंग्स परिया मिसेई फ्लैक्सीड्स मध्य खाई पारंती। चिया सीड्स मध्य भल परिमाण रे खाइले सेथरे मध्य फाइटोइस्ट्रोजेन्स भल थाए आउ कैल्शियम मध्य ए टाइम रे मेनोपॉज रे कैल्शियम मध्य निहाती जरूरी सेथपा चिया सीड्स फ्लैक्सीड्स रे कैल्शियम बहुत अधिका थाए। आपण सेटा खाइले मध्य चिया सीड्स फ्लैक्सीड्स रे आपणकर उपकार मिले थाए। देन जेंती ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स जेंती ब्रोकोली, पालक रे मध्य फाइटो इस्ट्रोजेन्स भल परिमाण रे मिलता है। आउ सजना छुई माने ड्रम स्टिक जेंती सजना छुई ए सब जिनस रे बीन्स ए सब रे आपण फाइटो इस्ट्रोजेन्स रो परिमाण बहुत भल थाए। डाली जातीय जिनस जेंती कि चना डाल, मूंग डाल, काबुली चना, राजमा एथरे मध्य आपणकर फाइटो इस्ट्रोजेन्स भल परिमाण रे मिलता है। नट्स मध्य रे खाइले मध्य सेथरे मध्य बहुत फायदा मिलता है आउ सेथरे मध्य कैल्शियम आउ फाइटो इस्ट्रोजेन्स बहुत परिमाण रे मिलता है। मेनोपॉज परे यूजुअली देखा है हार्ट डिजीज रो संभावना महिला मानकर बढ़ी थाए सेति पै अनसैचुरेटेड फैट्स रो सेवन कमाइबा उचित जमिति कि आपण माने फ्राइड फूड जेंती सिंगड़ा हो, बोरा हो, ए सब जेंती डीप फ्राई फूड्स
निज खाद्य कमेवा कथा केक्स एंड पेस्ट्रीज मीठा जातीय जिनस स्वीट्स सब कमेवा निहाती जरूरी आपण खाद्य फाइबर रिच डाइट खाइबा कथा फाइबर रिच डाइट खाइले जेंति कि फ्रेश फ्रूट्स होल ग्रेन्स वेजिटेबल्स ए सबु परिमाण रो अधिका परिमाण रे खाइबा कथा एथरे आपणकर एंटीऑक्सीडेंट्स थाए एंटीऑक्सीडेंट्स आपणकर बॉडी रो इम्यूनिटी बढ़ई थाए माने रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ई थाए आउ आपणकु बहुत किछि रोग माने निजर इम्यूनिटी बढ़िबा द्वारा एबे जंति कोविड सिचुएशन हेइछि आपण निहाती आपणकर इम्यूनिटी बढ़ई रखिया कथा एई एज रे इम्यूनिटी बढ़ेबा दरकार विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स ए सब परिमाण अधिका खाया कथा एथरे मध्य कैंसर रो भी किछिडा परिमाण रे देखा हे छि कैंसर मध्य एंटीऑक्सीडेंट्स खाइले कैंसर मध्य खाद्य रु कमी थाए आउ गोटे जिनस देखा हे छि फाइबर खाद्य खाइले आपणको अल्प खाइले मध्य आपणको पेट फुल लागे आउ एहा मध्य माने ओजन ओजन को नियंत्रण रखिथाए आउ अजथारे वेट गेन हुए नहीं एही बयस रे हाइड्रेशन मध्य मेंटेन रखिबा उचित आपणको 12-13 ग्लास पानी पीबा उचित पानी रो डेफिशिएंसी हेले आपणकर इरिटेशन किंबा इरिटेबिलिटी ऑफ मूड रही पारे किंबा रिंकल्स आसी पारे स्किन रे सेति पे आपण निजे हाइड्रेशन मेंटेन करी रहिबा उचित पानी रो अभाव रे मध्य आपणको थकान लागिवो माने अल्प काम रे काम करथिले थकी जिबे जल्दी आपण हाइड्रेशन 12-13 ग्लास पानी पी निजर हाइड्रेशन मेंटेन करिवा उचित मेनोपॉज परे ऑस्टियोपोरोसिस होइथाय सेति पे कैल्शियम एवं मैग्नीशियम रिच खाद्य खाइबा उचित मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट माने दूध और दूध जातीय जिनिस मध्य खाइबा उचित आउ खीरो आपणकर लेस फैट मिल्क खाइले भलो चीज पनीर कॉटेज पनीर ए सब खाइले भलो आउ खीरो जातीय जिनिस रे दही फॉर्म रे खाइले जो मानकर खीरो रे जदि इंटॉलरेंस होउची लैक्टोज इंटॉलरेंस होउची त से माने दही खाइबा उचित आउ खीरो इन द फॉर्म ऑफ सोया मिल्क आलमंड मिल्क कोकोनट मिल्क ए सब पीबा उचित कैल्शियम रिच फूड्स आपणकर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थाए वेजिटेबल्स रे साग जातीय जिनस भेंडी बीन्स गार्लिक आउ बीन्स आउ लोटस सीड्स जेंति कि लोटस सीड्स आउ जैक फ्रूट मानकर बेसी थाए वेजिटेबल्स फ्रूट्स भितर आपणकर ऑरेंज फिग्स फिग्स जेंति कि अंजीर आउ डेट्स ए सबुरे अधिका थाए टमाटो आउ नट्स भितर वालनट्स फ्लैक्स सीड्स पिस्टाचियो चिया सीड्स आउ सिसम सीड्स हेजल नट्स ए सबु खाइबा उचित ए सबु थरे कैल्शियम रिच फूड ए सबु निज डाइट रे इंक्लूड करिबा उचित मैग्नीशियम रिच डाइट भितर आपण ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स रे मैग्नीशियम अधिका थाए जेंति कि स्पिनाच सरसों के साग स्पिनाच रे माने पालंग साग सरसों के साग पीस बीन्स काबुली चना टोफू लेंटिल सोयाबीन्स आउ कदळी आवोगाडो होल व्हीट चिया सीड्स सालमन आउ टूना फिश ए सबु भल थाए आउ विटामिन डी मध्य आपणकर बहुत जरूरी विटामिन डी रो रिच सोर्स होची आपण प्लेन सनलाइट रे एक्सरसाइज करंतु किंबा किछि समय बुलंतु कैल्शियम अब्सॉर्प्शन मध्य विटामिन डी रो अधिका हेइ थाए विटामिन डी आपणकर माछ रे अंडा रे
अंडार केसर रे विटामिन डी भल भाव मिलता है ताकु आपण भल भाव चोबे बेसी समय चोबे आनंदित भाव खातु समय दे आपण खाइले आई पुष्टिकर खाद्य खाइले आपणक निश्चिंत भाव में मेनोपॉजल सिम्टम्स जो सब आसुथिबो ता किछि परिमाण रे हेल्प हुए आउ सबुबेले आपण चेष्टा करंतु डिनरटा छ सातटा संध्या सातटा आठटा भितरे कंप्लीट करंतु आउ डिनर आउ ब्रेकफास्ट भितरे 12 घंटा गैप दियंतु राति सोइबा आगरु 2 घंटा 3 घंटा आगरु खाई दे घंटा 2 घंटा किछि वर्क कले दैट इज बेटर देन संगे संगे खाई बेड को जिबा आशा करूची आपण डाइट एंड मेनोपॉज विषय आपण को किछटा मु आइडिया देथिबी आउ जदि आपण किछि ऐड करिया को चाहूचंती किंबा किछि जानिबा को चाहूचंती आपण कमेंट सेक्शन ने जाई किछि इन्फॉर्मेशन दे परिवे आउ आपण को एडिशन और डिलीशन टू दिस वीडियो सबुबेले स्वागत जन्य वीडियोटा भल लागिथिले आपण निज बंधु बंधु मानक सहित शेयर करंतु मो चैनल को सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब करंतु टिल देन सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग गुड बाय।